नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आएंगे। इस बार वह बीकानेर में 8 जुलाई को अमृतसर से जामनगर के बीच ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान बीकानेर के पास ही नौरंग देसर में प्रधानमंत्री की आम सभा भी होगी। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने इस एक्सप्रेस हाईवे के कारण अमृतसर से जामनगर के बीच 23 घंटे का सफ़र घटकर महज 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से राजस्थान के 5 जिले भी जुड़ेंगे। हाईवे के बीच में जगह जगह मिडवे होटल्स, टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप व चार्जिंग सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 8 जुलाई प्रधानमंत्री ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से कराए गए अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। यह 6 लेन हाईवे पंजाब के अमृतसर से प्रारंभ होकर गुजरात के जामनगर तक कुल 13-16 किलोमीटर दूरी को तय करता है। इस हाईवे की कुल लागत 20,868 करोड़ रुपये होगी। यह हाईवे 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ग्रीन फील्ड परियोजना है। यह प्रोजेक्ट अमृतसर, बटिया, सनारिया, बीकानेर, सांचो, समयाख्याली, जामनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को आपस में जोड़ता है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।